हर साल की तरह इस साल भी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुसलमानों में रमज़ान किट आज बरोज़ पीर हज हाउस नामपल्ली में होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली और चेयरमैन वक्फ बोर्ड जनाब मोहम्मद सलीम ने झंडी दिखाते हुए रमज़ान किट की गाड़ियों को रवाना किया, जो 450 लाख मुस्तहिक अफराद में 800 मसाजिद के ज़रिए ये कपड़े तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर जनाब मोहम्मद महमूद अली होम मिनिस्टर और मोहम्मद सलीम चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मीडिया के सामने तफसीलात बताई। वक्फ बोर्ड ऑनरेबल चेयरमैन अनिल साहब आध्र्यन मन मेंबर वहीद गारु इक्कड एमएलए बशीराबाद गोपाल गारु शरीफ गारु चला वक्फ बोर्ड आफीसर्स आना चला बट डिस्ट्रिब्यूट को वहीकल्स मस्जिद तस्कना हैदराबाद 400 मस्जिद की पंपना नियरली 2 लाख मेंबर्स कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ गवर्नमेंट की तरफ से और वक्फ बोर्ड हमारे वहीद साहब मेंबर और होम मिनिस्टर साहब और एमएलए हमारे एरिया के और हमारे ऑफिसर्स वक्फ बोर्ड के सब मिलकर ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। गवर्नमेंट के बजट से ये अंजाम दिया गया कि केसीआर साहब केटीआर साहब की तरफ से। और दूसरी बात यह है कि 800 मस्जिदों को दे रहे तेलंगाना और हैदराबाद मिला के 4.5 लाख कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और सीएम साहब दिल खोल कर जो है ना हर एक ईद को जो है ना रमज़ान हो या दशहरा हो या कुछ भी हो सीएम साहब की तरफ से कोई कमी नहीं रहती। हर एक को एक नज़र देख के जो है ना सीएम साहब काम करते हैं। और परसों ऑक्सीजन भी नहीं था तो सीएम साहब जो है ना ऑक्सीजन भी जो है वहाँ से चार्टर फ्लाइट नेवी का भेजा के जो है उसमें पूरे ट्रकों के ट्रक जो है ना ऑक्सीजन मंगाए नहीं तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज था। सेंट्रल गवर्नमेंट उतना सीरियस लेके यहाँ पर उतना अहमियत दे दी तो केसीआर साहब